देश भर में जहां अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई, जिसमें रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया गया, जिसमें बालाघाट रेलवे स्टेशन भी शामिल है। बालाघाट रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण का काम भी शुरू हो गया है। रेलवे ने बालाघाट रेलवे स्टेशन का डेमो मॉडल तैयार किया है, जो आप देख सकते हैं, जिसमें बालाघाट रेलवे स्टेशन एक एयरपोर्ट के तर्ज पर नजर आ रहा है। बालाघाट रेलवे स्टेशन में एंट्री और एग्जिट में सीसीटीवी कैमरा, प्लेटफॉर्म, एसी वेटिंग हॉल, ट्रेन कोच, इंडिकेट डिस्प्ले, टिकट काउंटर, पार्किंग फैसिलिटी और सीटिंग फैसिलिटी जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। वहीं बालाघाट में प्लेटफॉर्म की बढ़ोतरी भी किया जा सकता है, जिससे अधिक से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जा सके। बालाघाट एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, जो एक ओर गोंदिया रेलवे स्टेशन और दूसरी ओर जबलपुर तिरौड़ी रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है। यह रेलवे रूट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह साउथ को सीधे नॉर्थ से कनेक्ट करता है। बालाघाट रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए 11 करोड़ रुपए राशि दिए गए हैं। सिर्फ बालाघाट स्टेशन को ही आधुनिकीकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि अभी गोंदिया बालाघाट होते हुए जबलपुर तक दोहरीकरण लाइन का सर्वे भी किया जा रहा है, जिससे इस लाइन को डबल किया जा सके और भी ट्रेनों का संचालन किया जा सके। अभी बालाघाट से गया वीकली सुपरफास्ट, इतवारी जबलपुर इंटरसिटी, इतवारी रीवा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का संचालन होता है। रेलवे लाइन दोहरीकरण होने के बाद अधिक से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा। इससे बालाघाट के लोगों को फायदा होगा, साथ ही यात्रा भी आसान होगा।